हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीना एंड अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं होल्डिंग पे काम करके दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो मैं आप सबके पास शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, बच्चे को अगर होल्डिंग में प्रॉब्लम हो, इसके हाथ में ग्रिप नहीं है, पेंसिल पकड़ नहीं सकता है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो थायरोपुट्टी लेके उसको ऐसे प्रेशर कराना है, ऐसे दबा के। अगर उसको करना नहीं आता है तो आप हाथ पकड़ के करना सिखाइए। जिसके पास थायरोपुट्टी नहीं है वो आटे से कराएंगे। आटे को तेल से बहुत टाइट करके, तेल और पानी से बहुत टाइट करके भूनना पड़ेगा। भून के फिर ऐसे दबाना पड़ेगा, दबाएगा तो फिर धीरे धीरे ग्रेप आ जाएगा। उसके बाद ऐसे एक स्माइली बॉल लेना है, स्माइली बॉल लेके इसको दबाना है कम से कम 10 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोनों हाथ से टर्न करके दोनों हाथ से प्रेशर लगाना है। इसके बाद क्या करना है, थायरो बैंड, आपके पास अगर थायरो बैंड हो तो उसको ऐसे पकड़ के खींचना है। अगर थायरो बैंड ना हो तो आप उस साइकिल का जो पहिया है उसके अंदर जो ट्यूब रहता है उसको काट के आप कर सकते हो। काट के फिर उसको खींचना सिखा सकते हो, कैसे खींचना है। ऐसे करने से उसको हाथ में धीरे धीरे ग्रेप आएगा। उसके बाद क्या करना है, ऐसे हाथ में लो, फिर आप टाइट करके पकड़ के रखोगे और उसको बोलोगे फूल बनाओ, फूल जैसे खुलो फिंगर को, ऐसे वो जोर लगाएगा, खुलने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे ग्रेप आएगा। उसके बाद और एक काम करना है, आप एक पेपर लेना है आपको और उसमें डॉट लगाना है, जैसे पिंक डॉट लगा दिया, ब्लू डॉट लगा दिया, रेड डॉट लगा दिया। तो उसके बाद उससे कोशिश करना है चिमटी लगाने का। चिमटी तो सबके घर में होते होंगे, कपड़े में लगाने वाला, जैसे रेड डॉट में, बच्चे रेड डॉट में रेड चिमटी लगाओ तो कलर का भी पहचान हो जाएगा, चिमटी की भी पहचान हो जाएगा। बच्चे ब्लू डॉट में ब्लू चिमटी लगाओ, पिंक डॉट में पिंक चिमटी लगाओ। ऐसे लगाने से उसको फिंगर पे प्रेशर पड़ेगा और उसको होल्डिंग में बहुत अच्छा काम होगा, ग्रेप आ जाएगा धीरे धीरे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।